नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों अभिनंदन करता हूं। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों आज जो हमारा मुद्दा है ना कोई क्लास का है दोस्तों, ना आज हम पढ़ाने वाले हैं, ना आपको मैं कहूँगा कि आप पढ़ो। केवल आज जो मुद्दा है मेरा है एक बेरोजगारी का है दोस्तों। बेरोजगारी का है मतलब एक बेरोजगारी के हित में या विद्यार्थियों के हित में मैं आज ये क्लास लेके आया हूं दोस्तों आपके सामने। मैं इन विद्यार्थियों के बारे में, इन विद्यार्थियों की ओर से ये क्लास लेके आया हूं दोस्तों। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि प्रत्येक सरकार के पास में, प्रत्येक सरकार के पास में, प्रत्येक विद्यार्थी के पास में, प्रत्येक नेता के पास में हमारी ये वीडियो पहुंच जाए। अरे आप दोस्तों हमारी क्लासों को तो शेयर करते हो, आप वीडियो को शेयर करते हो, फिल्मों को शेयर करते हो, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों। हम चलते हैं, बात करते हैं। मेरा जो टाइटल है आज, जो टाइटल है उसका नाम है बेरोजगारी क्रांति हमें रोजगार दो। अरे दोस्तों आज हमारा एक प्रत्येक विद्यार्थी जो आपसे मांग रहा है, और वो मांग रहा है क्या क्या रहा है कि बेरोजगार क्रांति हमें रोजगार दो। मतलब एक गरीब विद्यार्थी जो इस समय जूझ रहा है, इस क्रांति से जूझ रहा है दोस्तों, हम चाहते हैं कि उनको रोजगार मिले, हम चाहते हैं उनको एक रोजगार मिले। उनको एक रोजगार मिलेगा तो घर में हमारे में एक खुशहाली आएगी। लेकिन सरकार इस समय कहते हैं कि सरकार को कोई विद्यार्थी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने एग्जाम डेट निकाल दी, उन्होंने वैकेंसी निकाल दी, लेकिन उन्होंने यही नहीं पता कि उनको एग्जाम कब लेना है दोस्तों। चलो दोस्तों मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं उन वैकेंसियों से कि जो वैकेंसी अभी तक उनके एग्जाम नहीं लिए गए। सबसे पहले बात करता हूं दोस्तों ग्रुप डी के बारे में, बात करता हूं मैं आपको याद दिला रहा हूं दोस्तों ग्रुप डी के बारे में, मैं दोस्तों याद दिला रहा हूं मैं आपको एनटीपीसी के बारे में दोस्तों, मैं याद दिला रहा हूं एसएससी के बारे में, और दोस्तों मैं याद दिला रहा हूं टेक्निकल के जो विद्यार्थी है जल विभाग के बारे में याद दिला रहा हूं मैं आपको। अरे दोस्तों मैंने कहा मैं याद कराए ग्रुप डी को, मैंने याद दिलाया एनटीपीसी को, मैंने याद दिलाया एसएससी को, और मैंने याद दिलाया आपको जल विभाग को याद दिलाया दोस्तों। इनके एग्जाम फॉर्म कब मांगे गए इसकी भी हम डेट की बात कर लें। अरे ग्रुप डी और एनटीपीसी के टोटल पद जो निकले थे दोस्तों वो निकले थे 103,000 के लगभग में पोस्ट निकाली इन्होंने। 103,000 बहुत ज्यादा पोस्ट आई थी। हमने कहा था दोस्तों कि मेला आ गया, वैकेंसी का क्या निकला है मेला। एनटीपीसी के अंदर लगभग 44,000 पोस्ट निकली थी, बढ़ गई थी पोस्ट लगभग 44,000 पोस्ट। तो हमने कहा था हमारी कोचिंगों में बच्चों की भीड़ भर गई थी। हमने एनटी की, एनटीपीसी के बैच, ग्रुप डी के बैच खूब चलाए दोस्तों, और बच्चों ने भी बहुत तैयारी की है। अरे तैयारी की तैयारी, हम बैच चला रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ते जा रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ते जा रहे हैं हम पढ़ा रहे हैं, हमारा बैच फुल। उसके बाद में उनका कोर्स कंप्लीट हो गया। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों हमने कहा दोबारा रिवाइज करो, अरे एक बार और रिवाइज करो। उन्होंने हमारे कहने से एक बार और रिवाइज किया दोस्तों। लेकिन क्या रिवाइज करने के बाद में क्या एग्जाम की कोई डेट है, क्या एग्जाम की कोई डेट है उन विद्यार्थियों के सामने आज आपसे पूछ रहे हैं। उस एग्जाम भर्ती जो निकली है लास्ट डेट जो थी 12/4/2019, आज इस भर्ती को लगभग 1.5 साल या 2 साल होने वाले हैं, तो क्या उसका एग्जाम होने वाला है। इतने विद्यार्थी, हम बात करें इस भर्ती के बारे में कि जो टोटल पद थे आपके 103,000, तो देखें इसके जो फॉर्म भरे गए थे 1,25,00,000 फॉर्म भरे गए थे। मैंने आज डेटा इसका निकाला, तो डेटा निकाला क्यों निकाला, क्योंकि इस समय प्रत्येक कोचिंग वाला जो अनुदेशक है, जो टीचर है, वो विद्यार्थियों के साथ में खड़ा हो गया है। अरे जहां से भी, चाहे दिल्ली की बात कर लें, जयपुर की बात कर लें, हम मुंबई की बात कर लें, हमारे बिहार के लोग हैं वो सारे लोग आज खड़े हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं उनको सभी को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूंगा, मैं उनको नमन करना चाहूंगा, वो विद्यार्थियों के हित में है। तो मैंने भी इसलिए ये वीडियो उन्हीं के, विद्यार्थियों के हित में बनाई, और मैं चाहता हूं कि हमारी जल्दी से जल्दी सरकार हमारी सुने, और सरकार सुनेगी तो प्रत्येक विद्यार्थी की के हित में ही हमारा काम होगा। तो चले हम इनको गवर्नमेंट के बारे में बात करें। तो 1,25,00,000 फॉर्म भरे गए थे, किसके, एक ग्रुप डी के फॉर्म भरे गए थे 1,25,00,000। अरे एनटीपीसी की बात करें 1,37,00,000 फॉर्म भरे गए थे, 1,37,00,000 फॉर्म भरे गए थे एनटीपीसी के, फॉर्म भरे गए थे। कुल फॉर्म इनके पास पहुंचे 2,62,00,000, इनके पास 2,62,00,000 फॉर्म पहुंचे, किसके, ग्रुप डी प्लस एनटीपीसी के। एक बच्चे की जो फीस इन्होंने ली वो 500 रुपए मिनिमम फीस थी। अरे एक बच्चे की फॉर्म फीस थी 500 रुपए, तो बच्चों ने 500 रुपए भी कहीं ना कहीं से लाके इनको 500 रुपए भी दिए। और जब एक फॉर्म की फीस को हम, तो इनको यदि टोटल करें 2,62,00,000 से मल्टीप्लाई यदि हम करें 500 से, तो इनके पास में लगभग 10 अरब
और 10 अरब 31 करोड़। अरे दोस्तों मैंने ये कैलकुलेशन जो किया है ना, ये कैलकुलेटर से किया है दोस्तों, मैंने मोबाइल से कैलकुलेशन किया है, मुझ पर तो ये कैलकुलेशन ही नहीं निकल पा रही। मैं एक टेक्निकल का टीचर हूं, तो 10 अरब 31 करोड़ रुपए इनके पास पहुंचा है, मतलब लगभग में 10 अरब दोस्तों। अरे 10 अरब के अंदर कितनी जीरो लगती है, मैंने अरब हिंदी में लिखा है दोस्तों आपके सामने, इसके 10 के आगे कितनी जीरो अरब में लिखी जाती है मुझे तो यही नहीं पता। अरे आप घोटालों की बात करते हो, हमें हमारी चाहे सरकार कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की, कौन सी सरकार है आप, हमें नहीं पता, ये घोटाला हमें बताते, इससे बड़ा घोटाला क्या होगा। 10 अरब पैसा आपके पास में इन गरीब विद्यार्थियों का है, जिनके मां बाप कोई रोजगार कैसे कैसे पत्थर तोड़ रहा है, कोई बेचारे मजदूरी करके ला रहा है और एक विद्यार्थी के लिए पैसा देता है, वो आज गांवों से छोड़कर अपने मां बाप को छोड़कर अपनी बहन को छोड़कर अपनी बीवी को छोड़कर एक शहरों में पढ़ रहे हैं और शहरों में तैयारी कर रहे हैं, रूम ले लेके तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उनकी सुन रहे हो? बस मीडिया इस समय हमारी नहीं सुन रही है, मीडिया नहीं सुन रही है, और मीडिया पे केवल एक ही टॉपिक है, समय प्रशांत का टॉपिक है, उनके पास सुशांत सिंह की जो आत्महत्या हुई है उसका टॉपिक है। अरे दोस्तों हम चाहते हैं सुशांत सिंह की जो एक आत्महत्या हुई है बिल्कुल उसके बारे में बात करें, लेकिन इतना मुद्दा इस बेरोजगार के बारे में भी क्या बात कर लो आप, थोड़ा सा एक बेरोजगार गरीब विद्यार्थी के बारे में भी बात कर लो आप थोड़ी सी। अरे आप उनके बारे में जानो, डेली की डेली हमारे कितने विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, कितने मर रहे हैं, और जब विद्यार्थी मर रहे हैं आपको पता है विद्यार्थियों से ही टीचर जीते हैं, टीचरों का हमारा जो पेट पालन होता है वो विद्यार्थियों से होता है। तो आप सोचो, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने ये जो टीचर हैं जो बच्चों को बनाते हैं तो वो भी आत्महत्या करेंगे। दोस्तों देख लेना 2021 के अंदर ये सबसे ज्यादा आत्महत्या करने वाले विद्यार्थी नहीं होंगे, टीचर होंगे। अरे कौन होंगे? टीचर होंगे, तब सरकार की हमारी आंखें खुलेंगी शायद। अरे सरकार कहती है आज हम ये कर रहे हैं, आज हम वो कर रहे हैं, हमें कुछ मत बताओ। अरे हमें ये बताओ हमारे ग्रुप डी का एग्जाम कब लेगो, अरे एनटीपीसी का एग्जाम कब लोगे आप, अरे एसएससी 2018 में ये एग्जाम लिया, इसका रिजल्ट कब आएगा? जल विभाग, इसे जल विभाग की भर्ती, मैंने जो आईटीआई करी थी मेरे घर वालों ने मुझसे कहा था कि बेटा आईटीआई कर ले, जल विभाग के अंदर 80,000 पद आएंगे। कितने पद आएंगे? 80,000 पद आएंगे। तो मैंने उस चक्कर में आईटीआई कर ली थी, तो मैंने आईटी उस चक्कर में नहीं की, कितने लाखों विद्यार्थियों ने उस चक्कर में आईटी कर ली। तो अब जल विभाग की भर्ती 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 और 2018 और 2020 चल रहा है दोस्तों, क्या भर्ती आई है? क्या नहीं आई? ये कोर्ट में ले जाते हैं भर्ती को और कोर्ट में ही भर्ती अटक जाती है, बस केवल एग्जाम लिया जाता है, एग्जाम कोर्ट में ही अटक जाता है, उसकी तारीख पड़ती है बस, कभी भी क्लियर नहीं होती। और आपको पता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख, और एक विद्यार्थी इसमें जो मर रहा है, एक विद्यार्थी मर रहा है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, केवल एक विद्यार्थी का सबसे इस समय जो बुरा हो रहा है। अरे विद्यार्थी आज गांवों में पढ़ा है, रूम जयपुर में क्यों नहीं आ रहा, दिल्ली में क्यों नहीं जा रहा, रूम का रेंट देना है उनको, मकान मालिक फोन कर रहे हैं, वो अपने बेचारे सामान को लेने भी नहीं जा रहे, सामान को कॉपी किताबों को छोड़ के वो अपने गांवों में पढ़े। अरे क्यों आप ऐसा कर रहे हो? एक सिस्टम को सुधारो, एक भर्ती निकालते हो ग्रुप डी की, जब वैकेंसी निकालते हो तो उस समय आप उसका सिस्टम तैयार करो, एनटीपीसी का सिस्टम तैयार करो, एसएससी का सिस्टम तैयार करो आप, मतलब 6 महीने के अंदर आप एग्जाम ले लोगे, बच्चे को जॉइनिंग दे दोगे, ऐसा ही सिस्टम तैयार करो ना कि उस समय भर्ती आएगी, फिक्स होगा सारा। आप कहते हो हमारे पास तो कोई कंपनी नहीं है एग्जाम लेने के लिए, तो आपने भर्ती क्यों निकाली है? ये ग्रुप डी की आपने भर्ती क्यों निकाली? आपने एनटीपीसी की भर्ती क्यों निकाली? एसएससी 2018 में आपने एग्जाम लेके रिजल्ट क्यों नहीं निकाला आपने? आपके पास में इतने पैसे को, 10 अरब को पैसे को कहां टका रहे हो? इतने पैसे को, इतना बड़ा घोटाला, इसका यदि 10 करोड़ का ब्याज देखा जाए, 1 पैसे से 2 पैसे से ब्याज देखा जाए, तो इससे बड़ा घोटाला शायद कोई नहीं होगा। अरे मेरे माननीय मुख्यमंत्री, मेरे माननीय सीएम साहब, मैं तो आपसे यही कहता हूं, चाहे राजस्थान की भर्ती है चाहे केंद्र की भर्ती है, तो उनको भर्तियों को साफ सुथरा कराओ। मैं तो आपसे बार बार भी यही कह रहा हूं, एक प्रत्येक विद्यार्थी की तरफ से भी ये बातें बोल रहा हूं, इस समय गरीब विद्यार्थी जो है इस समय जूझ रहा है, जो आत्महत्या करने पर तैयार है दोस्तों, वो हमसे कहते हैं, हम कहते हैं कि दोस्तों भर्ती आ रही है, हम बच्चों को जगाते हैं कि बेटा वो भर्ती आने वाली है, भर्ती आने वाली है, तैयारी करो, तैयारी करो। बच्चा तैयारी करे किसकी, आप ये बताओ तैयारी करे किसकी? इस समय बच्चे को दिमाग में ये होता है कि गुरुजी भर्ती तो आएगी नहीं, एग्जाम लिया ही नहीं जाएगा, हम तैयारी करके पढ़ के क्या करें, पढ़ के हम कौन से कलेक्टर बन जाएंगे? तो अरे हमारे देश के नेताओं थोड़ा सा ध्यान दे लो, आप ध्यान दे रहे हो फालतू की बातों पे, ध्यान दे रहे हो इस समय, आपको बच्चों से कोई भी लगाव नहीं है, रोजगार से कोई भी लगाव नहीं है, हमारी मीडिया को बच्चों से कोई भी लगाव नहीं है, मीडिया को तो बस ऐसे गर्म मसाले चाहिए, उनको तो चटपटे मसाले चाहिए,
अरे मैं तो आपसे यही कहता हूं कि इस समय हमारा जो बेरोजगार क्रांति, हमें रोजगार चाहिए, जो बच्चों का टाइटल है इस समय सबसे ज्यादा, उनकी तरफ से मैं इस बात को लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे हमारी सोई ही सरकार ये जग जाए, आपका एग्जाम ले लिया जाए और एक बच्चों का भला हो जाए। तो मैं आपसे दोस्तों यही चाहता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसको कमेंट मत करो, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, इतना फैला दो कि हर गांव गांव में, शहर शहरों में ये वीडियो पहुंचे और जिससे हमारी सोई सरकार जग जाए। मतलब आपने जय हो मूवी देखी होगी दोस्तों सलमान खान की, जब एक भला काम करता था तब उसको कोई थैंक्स बोलता था, तो थैंक्स बोलता था, वो कहता था मुझे थैंक्स मत कहो, धन्यवाद मत कहो, मुझे धन्यवाद कहने के बजाय तुम किसी तीन लोगों की क्या करो, मदद करो। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे थैंक्स मत कहो, आप इस वीडियो को तीन लोगों को शेयर कर दो, और जब तीन लोगों को शेयर करो तो उनसे ये कहना कि वो भी इस आगे तीन लोगों को शेयर करें। तो इस प्रकार से आपकी चेन बनती चली जाएगी, आपके फोन से, माता के फोन, मम्मी के फोन से, आपके पापा के फोन से, आपके भाई के फोन से, आपके मैडम के फोन से, सबके फोनों से इसको शेयर करो। तो जितना आप एक दिन दोस्तों देखना, पूरी सरकार हिल जाएगी, इनको जवाब देना पड़ेगा। इस प्रकार जिस प्रकार से समय सारे के सारे टीचर लगे पड़े, तो सरकार हिल जाएगी, सरकार को उठना पड़ेगा। और सभी स्टूडेंट हमारे साथ में, तो हम सरकार से यही कहेंगे अब एग्जाम लो, अब बहुत हो गया समय, हम देखते 18 निकल गई, 19 निकल गई, 20 निकल गई, लोको पायलट 2018 याद दिलाना चाह रहा हूं, लोको पायलट 2018 में आई, उसके बाद में क्या है, टेक्निकल है, पर 2018 आई क्या है, 20-25 दिन में आपने एग्जाम ले लिया, बच्चे नहीं कर पाए तैयारी। जल विभाग के बारे में सोचो, दिल्ली मेट्रो के बारे में सोचो, टेक्निकल के विद्यार्थियों की तरफ से यदि मैं ये बात कर रहा हूं, नॉन टेक्निकल की आपके सामने, उसके बाद में राजस्थान पुलिस की भर्ती आपने निकाली, पटवारी की आपने निकाली, हाईकोर्ट की आपने निकाली, इनका क्या है, अरे इनका एग्जाम डेट कहा है, पैसे को डकार के अंदर बैठे हो, बड़े सेठ जी बैठे हो, बस आपसे भाषण दलवा लो, बड़े बड़े भाषण दलवा लो बस केवल। अरे बच्चों के बारे में सोचो, क्योंकि आपको बताए हमारे जो युवा है ना, यही देश का भविष्य है, इनसे ही हमारा देश आगे चलने वाला, यही आगे जाके बड़े होंगे। तो मैं चाहता हूं इन बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में आप खड़े हो जाओगे, युवाओं के साथ आप खड़े रहोगे तो आपकी सरकार भी खड़ी रहेगी, यदि युवा खड़े नहीं रहे तो आपकी सरकार भी डगमगा जाएगी दोस्तों, ध्यान देख लेना। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो और प्रत्येक नेता तक ये वीडियो पहुंच जाए, और जितने भी लोग मेरे भाई जो इस काम को कर रहे हैं, मैं उनके लिए सलूट करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं प्रत्येक विद्यार्थी भी अब नहीं चुप रहे, बहुत हो गया, बहुत पढ़ते पढ़ते हम कब तक पढ़े, पढ़ते 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 कब तक पढ़े, कोई टारगेट तो सामने हो, मेरे सामने कोई टारगेट होता है तब पढ़ाई में मजा लगता है, मुझे मजा आता है कि सर 3 महीने के बाद में मेरा एक ग्रुप डी का एग्जाम है, 3 महीने के बाद में मेरा एनटीपीसी का एग्जाम है, 3 महीने के बाद में मेरा एसएससी का एग्जाम है, 3 महीने के बाद में मेरा जल विभाग का एग्जाम है, गुरुजी मैं तैयारी कैसे करूं। तो रात दिन एक करके पटक देता है बच्चा, ना खाना खाएगा, रात दिन एक करके पटक देता है, लेकिन यहां तो कोई टारगेट ही नहीं है, कब भर्ती हो आई और उसके बाद में कब एग्जाम है कोई नहीं, इनको कुछ नहीं पता, बस केवल ये तो 10 अरब पैसे को लेके डकार के बैठे हैं साहब, क्योंकि इन्होंने तो पैसा ले लिया, उसके बाद में कई बार ये पैसे को वापस भी कर देते हैं, 100-100 रुपए वापस काट के पैसे कर देते हैं, लेकिन आपने तो अपना काम कर लिया, आपने तो अपना काम कर लिया, आपने तो पैसा उससे कमा लिया, आपने तो पैसा कमा लिया, नहीं अन्याय मत करो, इस समय अन्याय हो रहा है। हमने बीजेपी सरकार को जो लेके आए वो क्यों लेके आए थे, विश्वास था हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं हमारे, उन पर विश्वास था, मुझे हद से ज्यादा विश्वास था, लेकिन मोदी जी मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि मेरे युवा विद्यार्थियों के साथ में थोड़ा सा ध्यान दो इनके बारे में, कि इन बच्चों का भविष्य इनके से ही इनकी घर की रोटी चलती है। अरे हमारे माँ बाप का एक सपना होता है, हमारे विद्यार्थी आंखों में एक सपना लेकर शहरों में आते हैं, सपना लेकर आंखों में आते हैं कि मुझे ग्रुप डी में लगना है, मुझे एनटीपीसी में लगना है, मुझे राजस्थान पुलिस में लगना है, लेकिन आज सपना उनका अंधकार में जा रहा है, उनका माँ बाप का सपना अंधकार में जा रहा है, एक गरीब माँ बाप का सपना अंधकार में जा रहा है, जो उनके माँ बाप एक गरीब पैसा कहीं कहीं से इकट्ठा करके लाते हैं, उनको देते हैं कि बेटा तुम पढ़ो, बस केवल माँ बाप बच्चे से ही कहते हैं, दो ही बात कहते हैं, जब माँ बाप से बच्चा पैर छूके जब आता है तो माँ बाप क्या कहता है, बेटा पढ़ना और शरीर का ध्यान रखना, आंखों में आंसू आ जाते हैं उस समय, आपको नहीं पता, आपके पास तो अरबों खरबों रुपए पड़े हैं ना, आपको क्या पता, आपके बच्चे तो आरएस के अफसर की तैयारी कर रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, आपके बच्चे ग्रुप डी की तैयारी नहीं कर रहे, आपके बच्चे एनटीपीसी की तैयारी नहीं कर रहे, आपके बच्चे एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे,
कैसी कैसी कोचिंग में बच्चे ये पढ़ते हैं, अरे कैसे कैसे ये पैसा देते हैं, तो इनके थोड़ा सा इनके बारे में देखो, ये जो एक मजदूर जो किसान है वो कैसे कैसे पैसा देता है, वो आज आत्महत्या करने पर क्यों, वो भी बेचारा कहीं ब्याज पे पैसा उठाता है और तब बच्चों को देता है। तो आज मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आज हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जग चुका है, पहला जैसा समय नहीं है कि आप बेवकूफ हमें बनाते रहोगे। तो अब आपको एग्जाम लेना ही पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा एग्जाम डेट, बताओ हमें कि ग्रुप डी की एग्जाम डेट कब है, एनटीपीसी की कब है, एसएससी का रिजल्ट कब निकाल रहे हो, टेक्निकल की जो लाइनमैन की भर्ती है वो कब निकाल रहे हो। अभी आपने जेईई की भर्ती के बारे में बता दिया, लेकिन टेक्निकल हेल्पर की भर्ती कब है, अरे टेक्निकल के कितने विद्यार्थी आईटीआई कर लिए, कितने विद्यार्थी ने डिप्लोमा कर लिया, वो विद्यार्थी क्या करें समय। आप तो कह देते हो कि बस केवल रोजगार, हाथ का रोजगार, हाथ का कुशल कारीगर बनाता हूं मैं, हाथ का कुशल कारीगर, अरे हाथ का कुशल कारीगर बनाते हो, प्राइवेट सेक्टर में सारी कंपनियों को ला रहे हो, अरे गवर्नमेंट के बारे में भी इसे सोचो, या तो प्रत्येक गवर्नमेंट को प्राइवेट में करवाओ। तो मैं तो प्रत्येक विद्यार्थी से यही कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इसको कमेंट मत करो, शेयर इतना कर दो कि प्रत्येक नागरिक के पास में पहुंच जाए और हमारी इस बात की सुनवाई हो। एक जय हो मूवी की तरह लड़ी बना दो, चारों तरफ पहुंचा दो, पहुंचा दो इनके पास में जो सो रहे हैं लोग, और प्रत्येक जो गाँव गाँव में लोग रह रहे हैं, गाँव गाँव के टीचर पढ़ाने वाले, उनको उनसे भी ये कहूंगा सपोर्ट करो विद्यार्थियों के साथ में, क्योंकि विद्यार्थियों से ही हमारा हित होता है, उनसे ही हमारे घर की रोटी या घर का चूल्हा हमारा जलता है दोस्तों। तो हम आगे बने रहेंगे, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि लगातार हमारी वीडियो को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।